गुरुवार रात तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के बीच आम जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दिया। अंधेरे के बीच कई स्थानों पर भारी नुकसान हुआ तो इससे कई लोग हताहत भी हुए। अजमेर की छोटी नागफनी में रहने वाले नेमीचंद तंबोली के मकान पर पास ही के मकान की दीवार गिर गई, जिसके कारण उनके क्षेत्र का हिस्सा टूट गया। अंदर सो रहे बद्री प्रसाद व उनकी पत्नी और दो पोतियां घायल हो गई। देर रात हुई इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बमुश्किल मलबे से हटाकर नेमीचंद और उनकी पत्नी इंदिरा देवी को और दोनों पोतियों को जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इंदिरा देवी की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस मामले की सूचना पर स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और हालातों का जायजा लेते हुए परिवार से इस मामले की जानकारी ली। वहीं पूरे परिवार को पर्याप्त इलाज मिले इसको लेकर भी व्यवस्थाएं की गई है। छोटी नागफनी बद्री विशाल मंदिर के पास वार्ड नंबर 7 भी अजमेर है। मेरा नाम नेमीचंद पंचोली है। रात को करीब 1:30 बजे भारी बारिश आने की वजह से और भारी तूफान की वजह से पड़ोसी के मकान पर बिजली गिरी, इसलिए उसके मकान की दीवार मेरे छत पे आके गिर गई और मेरे घर के सारा नुकसान हो चुका है। मेरे कमर में दर्द हो चुका है, हो रहा है, और मैं बिल्कुल उठने लायक नहीं हूँ, बैठा भी नहीं हो सक रहा हूँ। और मेरी मिसेज श्रीमती इंदिरा देवी जो अभी जेएलएन हॉस्पिटल में भर्ती है, आईसीयू में भर्ती है, उसकी अभी सीटी स्कैन वगैरह हो रही है, एमआरआई हो रही है, वो अस्पताल में ही है। मेरे को रात को छुट्टी दे दी है। मैंने नगर निगम और सब जगह फ़ोन कर दिए, लेकिन अभी तक नगर निगम का एक भी बंदा और न ही आरएसीबी का कोई बंदा हमारे को सवाल पूछने आया है। बाबूजी ये मकान पता नहीं क्यों मीना करके है, ये 4 जगह बिक चुका है सब, लेकिन किसी ने भी इस मकान की सुध नहीं ली है और मकान यों का यों जर्रा हालत में है। कितनी बार मकान मालिक को बोलने के बावजूद भी उसने कोई रिपेयरिंग का कोई कार्य नहीं किया और अवैध है वो बिल्कुल मकान, जो उस मकान के न पट्टा है न कुछ भी नहीं है उसके पास में, लेकिन उसको कितनी बार कहने के बावजूद भी वो न तो वहाँ साफ सफाई करता है और न मकान की रिपेयरिंग करवाता है। कोई अधिकारी मौके पे नहीं पहुंचे अभी तक, नगर निगम से भी कोई नहीं आए। एक हमारे पार्षद साहब हैं, वो जरूर आके गए हैं, सांत्वना दे के गए हैं, और हमारे अनिल जी नरवाल भी आके गए हैं, मेरी तबीयत पूछ के गए हैं। 2:30 बजे बाद रात को आंधी तूफान आया, पड़ोसी का मकान अवैध था 3 सालों से, वो पूरा मकान गिर गया। पड़ोसी ने हिम्मत करके करेंट बिजली सब आए, आंधी तूफान पूरा मकान गिर गया। पड़ोसी ने 50-60 आदमी भेड़े होकर रात को लाइट मीटर के तार तोड़ के और सबको लिखा ले बाहर। काका जी की तो कमर टूट गई, फ्रैक्चर हो गई पूरी, ना तो अंगड़ी आ रहा ना पेशाब करने आ रहा। काकी जी का कान कट गया है और वो इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है अजमेर विक्टोरिया हॉस्पिटल के अंदर, और हमने सबको सूचना दे दी। हम तो आए सुबह 6 बजे और रात को 2:30 बजे से लगा कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कुछ हो रहा है। ये बीजेपी के बूढ़े भी हैं, सब कुछ हैं, और गरीब आदमी रेलवे का काम करते हैं।